तर आम्ही तुमच्यासाठी प्रोडक्ट घेऊन आलो आहे. जसं की तुम्ही बॅनरवर बघू शकता, स्त्रीधन हा एक सॅनिटरी पॅड आहे. पण हा सॅनिटरी पॅड का थोडा बेटर आहे, हा बेटर कसा आहे तर आम्ही हा आम्ही तुम्हाला एका ऍडव्हर्टाइजमेंटच्या माध्यमातून एका स्टोरीच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला सांगणार. जास्त नाही, आम्ही तुमचे फक्त 5 मिनिट घेणार. तर ही आहे आमचे ऍडव्हर्टाइजमेंट. तर ही आहे कोकू, ही आहे पिहू, मी आहे कोकू. हाय पिहू, कैसी हो? मैं मस्त बढ़िया, तू बता तू कैसी है? वैसे तो ठीक हूँ, पर तुझे तो पता है पीरियड्स आज मेरा सेकंड चल रहा है. ये स्टार्टिंग के 3 दिन कितने हेक्टिक होते हैं कि पूछो मत. पेट तो दुखना अलग से ही है और साथ साथ मुझे इचिंग और रैशेस की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. ना मैं इससे स्कूल जा पाती हूँ, ना मैं इससे कॉलेज जा पाती हूँ, ना मैं पढ़ पाती हूँ, ना कहीं खेल पाती हूँ. सोने तो मिलता है नहीं गद्दे पे. अभी नीचे सोते हैं, एक नीचे सोते हैं तो सोचा कि कंफर्ट मिल जाए, पर वो सैनिटरी पैड से वो भी नहीं मिलता. और जिसकी वजह से मुझे पिछले महीने इन्फेक्शन भी हो गया था. डॉक्टर के पास गई थी मैं, तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे ना हर 5 घंटे बाद पैड बदलना चाहिए. तो तुझे तो पता है मेरे घर के पीछे इतना बड़ा कूड़ा पड़ के है. अगर मैं हर 5 घंटे बाद पैड चेंज करूंगी तो कूड़ा डबल टिबल से बढ़ जाएगा और साथ साथ मेरे वो अफोर्डेबल भी नहीं होगा. अगर मुझे ऐसा पैड मिले जो दिन भर चले और मैं उनको अफोर्ड भी कर सकूँ तो कितना अच्छा होगा. तेरा गाँव देख रही है तब से मैं, बहुत साफ सुथरा दिख रहा है. क्या यूज करती है तू भी? तो शायद से तू भी सैनिटरी पैड यूज करती थी. मैं स्त्रीधन यूज करती हूँ. स्त्रीधन क्या है ये? सोना चांदी? नहीं, ये एक कॉटन के कपड़े से बनाया हुआ पैड है और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, यूजेबल है, इको फ्रेंडली है और पॉकेट फ्रेंडली है. इसे हम हर 5 महीने में एक बार, रियूजेबल है इसका मतलब कि 5 महीने में एक बार ही फेंकना है इसको. इसकी वजह से तेरे गाँव की गंदगी कम हो जाएगी. हाँ, मैं इसे हर महीने फेंकती हूँ. तो तू ये यूज कर, तू बाकी सबको भी बता, उसकी वजह से तेरा गाँव क्लीन रहेगा. हाँ यार, अच्छा वो तूने मुझे बता दिया. अब मैं भी ये यूज करूंगी और साथ साथ मेरे गाँव की लड़कियों को भी बोलूंगी कि वो भी यूज करें. तो थैंक यू. ये थी कहानी पीहू और पीहू की. तो ये कहानी सिर्फ पीहू और पीहू की नहीं है, ये कहानी हर एक लड़की, हर एक औरत की है जो इस प्रॉब्लम से गुजरती है. तो इसके आगे की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं फ्रेंड की तरफ देना चाहूंगी, वो आपको बताएंगी. नमस्ते सर, जैसे कि आपने सुना है कि मैं स्त्रीधन यूज करती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ. नाम से तो लगता है ना कि सोना है, पर सोने से भी बढ़कर हमें जागरूक होना है. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक औरत महीने के 5 दिन और उसकी जिंदगी के कई साल पीरियड से गुजरती है. उसके पूरे लाइफ स्पैन में वो 7,500 से ज्यादा सैनिटरी पैड्स का यूज करती है. इसके पूरे लाइफ स्पैन में वो 7,500 से ज्यादा सैनिटरी पैड का यूज करती है. हमारे रेड पिकर्स आज भी इस कचरे को हाथ से उठाते हैं और गांव में तो शर्मिंदगी के कारण से इसी कचरे को जलाया जाता है या तो दफनाया जाता है. हमारे अकेले भारत में 1200 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड्स हर साल जनरेट होते हैं. तो इसका मतलब कि एक पैड को डिकम्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं. इसका मतलब कैलकुलेशन किया जाएगा तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ सैनिटरी पैड्स आज भी जमीन में गड़ा हुआ है. इसको लंबे समय तक यूज करने की वजह से हार्मोनल इनबैलेंस, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं. तो अभी आपको सवाल आया होगा कि इस दिन आया कहां से. तो ऐसे हम सब लड़कियां कॉलेज में बैठी थी और हर महीने हमारा यही डिस्कशन होता था कि यार इस पीरियड के ऊपर कोई सोल्यूशन निकालो. जो प्रॉब्लम्स उन्हें होती थी तो प्रॉब्लम पीरियड्स में नहीं थी, प्रॉब्लम थी पैड में जो कि लीक करता था. और अगर हम पुराना ट्रेडिशनल देखें तो पहले की औरतें कपड़ा यूज करती थी जिन्होंने हमें ढकेला महामारी की तरफ. फिर आया सैनिटरी पैड्स जिन्होंने हमें ढकेला कैंसर्स की तरफ. फिर आया बैम्बू पैड्स, बनाना स्टीम से बने हुए पैड्स, इन्होंने हमें ढकेला गरीबी की तरफ. इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने एक सोल्यूशन निकाला जो कि स्त्रीधन है, जो कि एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है और अवेलेबल है. तो ये स्त्रीधन बना कैसे मैं आपको बताती हूँ. तो ये हमने इसके टॉप लेयर में यूज करा है सॉफ्ट कॉटन. इसके पैकिंग के लिए हमने यूज करा है कॉटन फ्लीक्स. साथ साथ हमने इसमें यूज करा है PUL और इसके कोर लेयर में हमने यूज करा है मेडिकल कॉटन जो कि ज़ोर्ब का ही एक सब्सटीट्यूट है. ज़ोर्ब का कपड़ा बहुत महंगा आता है और हमें इसे अफोर्डेबल बनाना था तो इसके लिए हमने इसका यूज करा है. साथ साथ हम आपको देंगे इसके साथ एक लिक्विड जो कि वॉशिंग का काम करेगा. इसके साथ साथ ही हम आपको देंगे ये ब्रश जो कि स्टेन रिमूव करने का काम करेगा. जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे स्टेन ज्यादा है तो आप इसका यूज करके उसे हटा सकते हैं.
तो हम इसका मैन्युफैक्चर ना ही बड़े बड़े फैक्ट्रीज में और ना ही बड़े बड़े मशीन का हम इसका यूज करके बनाएंगे। हम इसका मैन्युफैक्चर करेंगे छोटी सी मशीन का यूज करके जिसे हम स्विंग मशीन बोल सकते हैं, और साथ साथ ही एक इंसान का जो इसे प्यार और शिद्दत से बनाए। और हम ये जो पैड्स है वो बनाएंगी आश्रम महिला की औरतें, जो जो पैड वो बनाएंगी वो सोल्ड होने के बाद जो प्रॉफिट परसेंट हमें मिलेगा वो हम उनको देंगे। और इसका एडवर्टीजमेंट ना ही हम बड़े बड़े स्पॉन्सर से, ना ही बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट होल्डर से और ना ही एंडोर्स से हम इसका करेंगे। हम इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जाना माना नाम है बचत गट की औरतें, जो हर जगह पाई जाती है। ये हम देंगे आपको क्यूरेटेड पैक में जो आपके डे के फ्लो के हिसाब से रहेगा, जो जिसमें आएंगे दो एल, तीन एक्सेल और दो पैंटी लाइनर्स। अगर आपको क्यूरेटेड पैक नहीं चाहिए तो हम आपको साथ साथ इसके साथ अवेलेबल करके देंगे ऑल एक्सेल, ऑल एल और मीडियम। तो हमने तो ये अपना लिया है स्त्रीधन, अब आप बताओ आपने क्या करना है। एक ये स्टेप हमें विकसित भारत की ओर ले जा सकता है। थैंक यू। ओके, वेरी गुड एंड एक्सलेंट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पैड्स एंड दिस पैड्स? सर, सैनिटरी पैड्स बने हैं प्लास्टिक से। ओके। इसको डिकम्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं। ओके। जो हमारा कॉटन से बना हुआ पैड है इसको डिकम्पोज होने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल लगेगा। ओके। 1.5 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। इट इज नॉट रीयूजेबल? यस, इट इज अ रीयूजेबल बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम कॉटन। ओके, सो वी कैन यूज इट फॉर हाउ मेनी टाइम्स? अगर देखा जाए तो हम इसे 7 से 8 घंटे तक हम इसे रख सकते हैं। ये पूरा दिन भी चलेगा, बट आपको रीयूज करना है, आपको चेंज करना है, तो आप उस हिसाब से आप कर सकते हो। एंड व्हाट अबाउट द डिस्पोजल ऑफ दिस? तो हाँ, ये हर 5 महीने बाद फेंका जाता है। यहाँ तो हम इसे जला भी सकते हैं, अगर हम इसे फेंक भी देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। सो इट इज नॉट दैट मच हजार्डियस इफ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट एज कम्पेयर टू नॉर्मल पैड्स। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।